इस फोटो और इस बैनर में सिर्फ तस्वीरें बदलेंगी, किसी और की तस्वीरें लग जाएंगी, यहाँ पे किसी और पे फूल माला चढ़ा होगा, लेकिन हत्यारे और बलात्कारियों के समर्थन में आने वाले ये याद रखे, किसी दिन उनके परिवार के लोगों का यह फोटो न लगा हो। हत्यारा और रेपिस्ट की कोई जात और कोई धर्म नहीं होता। जब उसको माला पहना के स्वागत किया जाएगा तो रेपिस्ट और हत्यारों के ही छाती 56 इंची के होंगे, और वही वजह है कि अंकिता के साथ जो भी हुआ उसको करने से पहले उन लड़कों ने नहीं सोचा कि उसको कठोर से कठोर सजा दी जा सकती है, और शायद ये सोचा कि उसके साथ भी उसके समर्थन में नारे लगाने वाले लोग खड़े हो जाएंगे। चौड़ा के घूम रहा है, कानून से भी डर नहीं है आज के वक्त में लगता है। वो कानून के दांव पे सीख चुका है और उसे पता है कि मुझे कैसे इन दांव पेचों से बाहर निकलना है। अंकिता के केस में क्या हो रहा है, जब उसका पूरा परिवार, उसका भाई, उसके पिताजी एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, उसे पता है कि पूरा का पूरा संरक्षण मुझे वहां से मिलने वाला है और मिल रहा है। दोस्तों नमस्कार, ये आप फोटो देख रहे होंगे, आपके लिए फोटो एक तस्वीर है। ये फोटो कल बदल जाएगा, ये फोटो कल बदल जाएगा, इस फ्रेम में कोई और आ जाएगी। ये फूल भी यही होंगे, ये माला भी यही होगा, इस बैनर पे भी फोटो बदल जाएगा, नारा भी वही होगा। कुछ नहीं बदला इस देश में सिवाय इस फ्रेम में फोटो बदलते रहते हैं। और फिर यही सारे लोग चेहरे बदल जाएंगे, यहाँ पे हाय हाय का नारा लगाएंगे, अंकिता को न्याय दो, कल को कोई और आ जाएगी। क्या बदला इस देश में, क्या हुआ? जो पहचान 2014 में जो सरकार आई थी, और खासकर निर्भया का जो वो केस आपको याद होगा, जिसको इंसाफ दिलाने के लिए रायसीना हिल पे लोग इकट्ठे होते थे, लेकिन आज के वक्त में न्यू इंडिया में सब कुछ बदल गया है। आज के वक्त में हत्यारे रेपिस्ट के समर्थन में लोग झंडा लेके निकलते हैं। आज के वक्त में हत्यारे रेपिस्ट के समर्थन में रोड पे उसके साथ खड़े होते हैं लोग। जब रेपिस्ट और हत्यारे जो आरोपी नहीं दोषित हो और जिसको रिहा कर दिया जाए, गुजरात के बिल्किस बानो की बात कर रहा हूं मैं, वो किसी भी कौम की लड़की हो सकती है, लेकिन हत्यारा और रेपिस्ट की कोई जात और कोई धर्म नहीं होता। जब उसको माला पहना के स्वागत किया जाएगा तो रेपिस्ट और हत्यारों के ही छाती 56 इंची के होंगे, और वही वजह है कि अंकिता के साथ जो भी हुआ उसको करने से पहले उन लड़कों ने नहीं सोचा कि उसको कठोर से कठोर सजा दी जा सकती है, और शायद ये सोचा कि उसके साथ भी उसके समर्थन में नारे लगाने वाले लोग खड़े हो जाएंगे, या 5 साल 2 साल 1 साल में, या किसी का बाप बहुत रसूख वाला है तो बेल करा लेगा, केस ही साबित नहीं हो पाएगा उस पर। तो हत्यारे और रेपिस्टों के छाती 56 इंची के हो रहे हैं इस वक्त में। खैर, यहाँ पे महिलाएं हैं और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और यहाँ पे कोशिश है कि अंकिता को इंसाफ मिले, लेकिन आपको पता है इसी देश में जब कोई अत्याचार होता है तो किसी पुलिस वाले को 2 को सस्पेंड कर दो, किसी सरकारी कर्मचारी 2 को सस्पेंड कर दो, कोई रेल दुर्घटना हो जाए तो 2 छोटे स्टाफ को सस्पेंड कर दो, आपको पता भी नहीं चलता है कि 6 महीने बाद कब वो जॉब में आ गया, और ना पूछने वाले होते ना आपको याद रहता है, क्योंकि हर दिन यहाँ पे नया ड्रामे और नए एपिसोड आ जाते हैं। खैर मैम, आप एक बात बताइए कि जैसा मैंने कहा कि ये फोटो बदल जाएगा, ये जंतर मंतर और ये फूल माला है सब वही रहेंगी, कुछ नहीं बदला इस देश में। देखिए, आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो औरतें कल तक केवल चूल्हा चौकी तक सीमित थी, आज वो यहाँ पे जंतर मंतर में शामिल हो रही है, और ये सब सिर्फ जो हमारी बेटियां इस तरीके से आए दिन उनके साथ हो रहा है, उन जैसी अनेकों लड़कियों के साथ ये दोबारा दोहराया ना जाए। घर से चल के हम केवल उनके अधिकारों के लिए यहाँ पे आए कि उसको फांसी दी जाए। जिस दिल्ली शहर में ये चिल्ला रहे हैं, उस दिल्ली शहर में औसतन 3 बलात्कार रोज होते हैं। आखिर जिस मुद्दे को इशू बना के, क्योंकि मीडिया का काम होता है सरकार से सवाल पूछना, ना कि सवाल के सरकार के प्रचार तंत्र के लिए काम करना,
सवाल ये है कि जिस निर्भया कांड के लिए उन्होंने क्या क्या प्रोटेस्ट नहीं किए, आखिर आज वो सरकार जो मौजूदा सरकार है जब सरकार में बैठ गई है तब इंसाफ दिलाने की बात हो, रेप की घटनाएं कम करने की बात हो, आप उनसे सवाल तक नहीं पूछ सकते। एनीवे, आपको क्या लगता है इंसाफ, इंसाफ तो मैं कह रहा ना कल दूसरा फ्रेम में फोटो लग जाएगा, कल दूसरे लोग खड़े होंगे, ये कुछ बदला अभी तक? देखिए, ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जिस देश को देवी के नाम से जाना जाता है, आज मैं उस देश को दानव के नाम से संबोधित कर रही हूँ। ये आए दिन कोई ना कोई बलात्कार की और हत्या की शिकायतें दर्ज होती है, होता रहता है। ये ग्राफ कम नहीं हुआ, ये ग्राफ बढ़ता गया, बलात्कार का, हत्या का ग्राफ, और केवल महिलाओं के साथ क्यों? जब सरकार कहती है कि हमारा महिला सुरक्षा हमारा प्रथम एजेंडा है, कहाँ है वो प्रथम एजेंडा? महिला सुरक्षित क्यों नहीं है? क्यों ऐसे कानून नहीं बनाया जाता? क्यों हमारी कानून व्यवस्था इतनी लचर है? मैंने पहले भी कहा था एक और केस के, आपको याद होगा कि अगर हत्यारे और रेपिस्ट को अगर माला जो पहना रहे हैं ना, जब उनके घर में यही घटना घटेगी तो कोई और महिला पहना रहा होगा उस रेपिस्टों को। इसलिए मानवता अगर आप पे है, और जिस रेपिस्ट और हत्यारों का आप स्वागत करते हैं जेल से छूटने पे, शर्म से मर जानी चाहिए उन लोगों को। और इस देश की जनता जो उन रेपिस्टों को और हत्यारों को माला पहनाता है, और आरोपित नहीं दोषित, और जो रेपी और रेप करने वाले और हत्यारे हैं वो आरोपी भी, उनको भी, उनके भी समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं, तो क्या यही न्यू इंडिया है? हमारे साथ नौजवान भी हैं, आप एक चीज बताइए जी। ये देश जहाँ पे हत्यारे और रेपिस्टों के समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं, चंद लोग ही सही हैं, वहाँ पे क्या उनका मनोबल नहीं बढ़ता? जो ऐसे ऐसे कुकर्म करने से पहले सोचते नहीं हैं अब? बिल्कुल बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है ऐसे लोगों का मनोबल। उनको ये लगता है कि ये कृत्य कुछ है ही नहीं, और वो निडर होकर घूमते हैं। डरते वो लोग हैं जो ये सोचते कल को हमारे साथ ना हो जाए, और जो करने वाला है वो खुलेआम घूमता है, उससे कोई डर ही नहीं। करने वाले चौड़ा होकर घूम रहा है ना? बिल्कुल, वो बिल्कुल चौड़ा होकर घूम रहा है। कानून से भी डर नहीं है आज के वक्त में लगता है? वो कानून के उस दाव पे सीख चुका है, अब उसे पता है कि मुझे कैसे इन दाव पेचों से बाहर निकलना है। अंकिता के केस में क्या हो रहा है, जब उसका पूरा परिवार, उसका भाई, उसके पिताजी एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, उसे पता है कि पूरा का पूरा संरक्षण मुझे वहाँ से मिलने वाला है और मिल रहा है। इसी वजह से जो उसकी टोन थी बात करने की, अगर आप सुनेंगे जो रिकॉर्डिंग उसकी थी, उसमें वो किस टोन में बात कर रहा है, उसके भय नहीं है, उसे बिल्कुल भी भय नहीं है कि उसने क्या कृत्य किया है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये लोग न्याय की मांग कर रहे हैं अंकिता के लिए, क्या इनको न्याय मिल पाएगा आज के वक्त में क्वेश्चन मार्क है। और मैं फिर आपको ये फोटो दिखाऊं, इस फोटो और इस बैनर में सिर्फ तस्वीरें बदलेंगी, किसी और की तस्वीरें लग जाएंगी, यहाँ पे किसी और पे फूल माला चढ़ा होगा, लेकिन हत्यारे और बलात्कारियों के समर्थन में आने वाले ये याद रखें, किसी दिन उनके परिवार के लोगों का यह फोटो ना लगाओ। बस इतना ही कहना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि इस देश में महिलाओं के साथ और महिलाओं का क्या हाल है, और क्या उनको न्याय मिल पाता है। वादे और इरादे तो बहुत बड़ी बड़ी करके हर सरकार आती है, कोई एक सरकार नहीं, लेकिन जब उसको पूरा करने के ऊपर सवाल पूछने का वक्त आता है तो आपकी जबान चुप हो जाती है। चेत जाइए, सजग हो जाइए। नमस्कार।